दैनिक सवेरा टीवी तुसी मेरे नाल वेख रहे हो ते मैं हाँ तुहाडे नाल शिवम महाजन। अजनाला घटना नूं लैके एक नवा अपडेट सामने आया है। अजनाला घटना तो बाद जत्थेदार अकाल तख्त साहब दे वल्लों 16 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। अज उस कमेटी के मैंबरां वल्लों रिपोर्ट जिहड़ी बंद लिफाफे दे विच जत्थेदार अकाल तख्त साहब नूं समर्पित कर दित्ती गई है। जी हाँ, अजनाला घटना आप सारे जानते हैं, जिथे कि पिछे भाई अमृतपाल वल्लों जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप जिहड़ा अजनाला दे एक पुलिस स्टेशन दे विचाले जिहड़ा लै के जांदा है ना, जिस तों बाद जिहड़ी एक हज़ारां दी जिहड़ी भीड़ हुंदी आ एक पुलिस थाने दे अंदर जिहड़ी चली जांदी, जिस तों बाद जिहड़ी धार्मिक भावनावां ने ओह आहित हुंदियां ने, जिस तों बाद जिहड़ी 16 मैंबरी कमेटी का गठन किया जाता है। इस कमेटी का मुख्य मतलब यही रहेगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप नूं, पावन स्वरूप नूं किस थावां ते जिहड़ा नहीं लिया जाएगा। सो इस विषय के चलते जिहड़ी 16 मैंबरी कमेटी का गठन होया सी, अज उस कमेटी के मैंबरों वालों जिहड़ी जत्थेदार अकाल तख्त साहब नूं जिहड़ी रिपोर्ट है जिहड़ी ओह सबमिट कर दी गई है। सो मेरे नाल पूरी जानकारी दे लई अमृतसर तो जिहड़े पत्रकार ने गगन जुड़ चुके हैं। गगन नाल आपां पूरी जानकारी जान लैंदे आ। गगन, अजनाला घटना नूं लैके वड्डी कार्रवाई होई, 16 मैंबरां दी कमेटी बनी ते अज ओह कमेटी वल्लों जिहड़ी रिपोर्ट आ सबमिट कर दी गई, किस तरह वेखदे इस पूरे मामले नूं? जी देखो शिवम, अजनाला विखे जो इंसीडेंट होया सी उस दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा स्वरूप जो सी अमृतपाल सिंह हुणी थाने दे अंदर लै गए सी, जिहड़ा उहनां ने मार्च कढ़िया सी थाने वल रैया दे नेड़े अजनाले तक, तां उसनूं लै के बहुत सारी जिहड़ा सी इस दा विरोध वी होया सी। बहुत सारियां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां ने, सियासी जथेबंदियां ने इस दा विरोध कीता सी। तां उस तों बाद श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं जिहड़े ज्ञानी हरबीर सिंह सी इहनां नूं कार्रवाई बरकरार रखा जाए और केड़िया थावां जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं लैके जाना, केड़िया थावां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश ना करवाया जाए। तो यह सब नूं लैके करनैल सिंह पीर मुहम्मद जिहड़े सी इन्हां दी अगवाई दे विच जिहड़ी एक कमेटी ने चर्चा की, वख-वख थावां दे उत्ते जो जानकारी मिली है कि जिहड़े धार्मिक शख्सियतां ने उहनां नाल गल्लबात की गई है, ते इक लंबे जिहड़े सिख बुद्धिजीवी ने, रिसर्चर ने, जां जिहड़े उहनां नाल गल्लबात करके तां इक जिहड़ी रिपोर्ट है ओह सीलबंद रिपोर्ट जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं अज सौंप दित्ती गई है। गगन, अजोके समें विच हर किसी दी नज़र बस इही बणी होई है कि जिहड़ी रिपोर्ट सबमिट होई है उहदा जिहड़ा खुलासा है ओह कदों होएगा, ते इस विषय ते की जानकारी निकल के सामने आई है? जी देखो, ये जी रिपोर्ट है सब तो पहला तो बंद लफाफा रिपोर्ट है। करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने गलबात करद भी कहा कि उन्होंने कमेटी की जी रिपोर्ट है उसके ये सुझाव दिते ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिहड़े ने सर्वोपर ने, इन्हों का जिहड़ा सत्कार है ये किवें बरकरार रखा जाए, किस थावां दे उत्ते जिहड़ा वै कोई भी जिहड़ा धड़ा आ, कोई भी सिख जथेबंदी आ उह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का आड़ लै के कोई भी गलत काम ना करे, ते जिहड़ा इहदे विच जिहड़ी है कि ना ही कोई होर इस तरह का अगे तो इंसीडेंट हो सके जिस दे नाल सवाल उठन, क्योंकि जिवें थाने दे विच बहुत जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सूप गया सी तां उत्थे बहुत सारे सवाल अजिहे सी कि थाने दे विच कई तरह दीआं अजिहीआं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करदी है कई तरह दी इत्थे अजिहीआं अवस्थां हुंदीआं ने, तां थाने नूं नहीं मिल जाए अजिही घटना दुबारा ना वापरे, क्योंकि इह वी कहा गया सी कि जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश हुंदा है तां बकायदा उस जगह नूं पहलां सुच्चा कीता जांदा है, उस जगह नूं सफाई कीती जांदी है। तां ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਗਗਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ?
देखो जी रिपोर्ट के संबंधित है 14 मार्च न श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार की अगवाई के एक धार्मिक समागम होने जा रहा है। इस समागम के जी रिपोर्ट है इसका खुलासा जरा कर दिया जाएगा इस रिपोर्ट के फैसले लेंगे। तो जेडे इंसीडेंट की तुम गल कर रहे हो इस तरह के होर भी कई तमाम इंसीडेंट ने जो पिछले समय के सामने आए थे तो इस लैके इतराज उठते कि इस तरह की गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की आड़ लैके बहुत थावान के उत्ते जे लोग ने ऐलान करेंगे उस तो बाद इस लागू करने के लिए जी एक बॉन्ड हो जाएंगे कि जी फैसला सुना देंगे कि किस किस थान के उत्ते गुरु महाराज का प्रकाश होना है या नहीं होना जी। सो वधेरे जानकारी देने के लिए गगन बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी इस अपडेट के जुड़े रहो। सो अजनाला घटना को लेकर जी 16 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी उन्हां वालों अज जी रिपोर्ट है वह अकाल तख्त साहब के जथेदार हरप्रीत सिंह जी सौंप दी गई है। सो जिहड़ा फैसला है जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि 14 मार्च में होने वाले एक बड़े समागम दौरान इस फैसले से जी कार्रवाई है या फिर जिस फैसले जी सुनवाई है वह हो सकती है। सो असी भी इस खबर से बने हुए हैं, तुम भी इस खबर के लिए बने रहने के लिए जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल। हुण मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद। सो का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी ने जी उन्होंने 16 मैंबरी सब कमेटी बनाई सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अदब सत्कार किवें कायम रख्या जाए और कोई भी जथेबंदी कोई भी धड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ लैके कोई गलत काम ना करे तो उस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वोट आसरा लैके तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे 16 मैंबरी सब कमेटी की मीटिंग 16 मार्च में हुई सी जिस दे विच समुचियां सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे जिन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी वल्लों इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया सी जिन्हां विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दमदमी टकसाल अखंड कीर्तनी जथा सिख मिशनरी कॉलेज गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल ते होर सिख स्कॉलर जिहड़े इहदे विच शामिल कीते गए सी उन्हां सारिआं ने 6 मार्च नूं एक लंबी मीटिंग कीती सी। उस मीटिंग तो बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई वो रिपोर्ट जिहड़ी अज सीलबंद लिफाफे दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब जी नूं सौंप दित्ती है और जथेदार साहब जी आउंदे दिनां विच पंज सिंह साहिबान की मीटिंग बुला के इस दा फैसला करनगे कि उन्होंने इस कमेटी की सिफारिश के उत्ते की अपना फैसला देना। कमेटी ने की महसूस किया जांच के दौरान? देखो कमेटी के सामने सारे पक्ष आए, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जी धरनिया मजारिया जिथे रोस प्रदर्शन ने जां होर विवादित थावां ते की उत्थे लैके जाने जायज ने जां नहीं उस संबंध विच सारिआं ने अपने विचार जिहड़े सानूं लिखती रूप विच दित्ते आ सारे रजिस्टर दे विच वी उह दर्ज ने और अलग अलग जिहड़े उन्हां ने अपने विचार दित्ते सी किसे ने 2 सफे दे किसे ने 3 सफे दे किसे ने 5 पॉइंट किसे ने 10 पॉइंट उह सारे पॉइंट जिहड़े नाल नत्थी करके रिपोर्ट दे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं अज सौंप दित्ते आ। लेकिन इस दे विच तुसी ये कहोगे कि की क्या गया वो जिहड़ा अंतिम फैसला वो श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब ही दस सकते। देखो मेरी निजी राय उस तो पहला जरूर जो मर्जी हो सकती है लेकिन जदों सब कमेटी बना दी गई श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार ने तो फिर मेरे अपने निजी विचार जिहड़े बिल्कुल पासे रह जाते हैं। मैं ये विचार उदों दे सकदा जदों श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब कोई फैसला करके कौम नूं सुना देंगे फिर मैं कह सकदा कि वाकई ये रिपोर्ट के मुताबिक फैसला लिया गया है जां रिपोर्ट के तो बाहर होकर फैसला किया गया। सिंह साहब जी ने कहा कि 14 तरीक नूं जी का खालसा।